वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, आज मेरे साथ शर्मा जी हैं। आपका फर्स्ट नाम क्या? मनीष। मनीष, मनीष इज अ यंग एनर्जेटिक एथलेटिक गाय और बहुत पॉजिटिव आदमी है, बट इनके साथ एक इंजरी हुई जिसके बाद से इनको पता नहीं चला कब इनका शोल्डर रिस्ट्रिक्ट होने लगा और कम चलने लगा। आज मनीष जी को आते हुए शायद 4 या 5 दिन हो गए हैं। फोर्थ सेशन है और ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि उन सारे यंग लोगों में हम अक्सर देखते हैं कि एडिसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर जनरली एक एज ग्रुप में मिलता है जो 50-60 अबव होते हैं और उनमें से भी 50-60% लोग ज़्यादातर डायबिटिक होते हैं ना, तो डायबिटिक्स मोर प्रोन। बट एक चीज़ और देखी गई है कि यंगस्टर्स में या मिडिल एज में आप देखें काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ होने लग जाती है। उसका प्योरली कारण होता है आपके माइक्रो या माइनर ट्रॉमास जो होते हैं एक्सेसिव लिफ्टिंग या स्ट्रेचिंग या किसी भी ऑब्जेक्ट से, जहाँ पे आपको इनिशियली तो लगता है कि दर्द हुआ और अगले 1-2-3 दिन में ये दर्द सबसाइड हो जाता है। यानी कि एडिसिव कैप्सुलाइटिस सेल्फ हीलिंग प्रॉब्लम होती है, यानी कि 1 से 1.5-2 महीने तक वो फेज 1 में अपने आप ही हील हो जाती है, लेकिन कई बार इंजरी अगर ज़्यादा होती है या उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती हैं या इंडिविजुअल ज़्यादा एक्सरसाइज दोबारा सेम करता रहता है तो वो रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट मूवमेंट कर देता है, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर भी बोलते हैं। अब फ्रोजन शोल्डर किसी का इतना भी रह सकता है, किसी का इतना रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, किसी का सिर्फ इतना रिस्ट्रिक्टेड रह सकता है। तो शर्मा जी के केस में एक चीज़ थी कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं था, इनका 90 एंड अबव, यानी कि हमें जो हासिल करना है वो सिर्फ 20 से 25 डिग्री ही हासिल करना है। शर्मा जी बहुत ताकत लगा रहे हैं, मैंने बहुत बोल दिया, शर्मा जी से सुन लेते हैं कि शर्मा जी ने पहले ही मुझे बोल दिया वीडियो से पहले कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है और दर्द बहुत है, तो मैं इसके लिए शर्मा जी को ही दोषी करार देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि शर्मा जी बहुत एनर्जेटिक हैं। जब मैं इनको बोलूँगा कम एक्सरसाइज करने के लिए तो ये कहेंगे मैं ज़्यादा करूँगा, तो भैया मैं तो ज़्यादा ही करवाना चाहूँगा, मैं क्यों बोलूँगा कि आप कम करो, और बट जितना आप स्ट्रेच करोगे उसकी सोलनेस तो आपकी बॉडी में आएगी। और मैं तो चाहूँगा कि 4 सेशन में अगर आप जितना इम्प्रूव हुए हो, आपका स्कैपुला आज लेते हुए बाहर नजर आ रहा था, है ना, वो पहले बाहर नहीं निकल रहा था, इसको साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा कर दो, 2 दिन बाद आपका दर्द खत्म, तो वो तो हम एल्डरली लोग जिनका थ्रेशोल्ड ही कम होता है उनमें ऐसा करते हैं, हम आपको चाहते हैं कि 10 दिन में ही नक्की करके भेज दें। हाँ। हमारा काम सिर्फ उसको हाथ को वहां तक ले जाना है, दर्द का काम इसमें आपका है, ठीक है। अब मनीष जी से सुन लेते हैं। सो यू नो दिस हैज बीन, I'm quite into yoga, pranayam, and quite an athletic life I've led. But beech mein kya hua, mere restriction bahut kam ho gayi. And during the freezing months of December and January, I could not realize. And I'm a cold bath taker. तो मैं ठंडे पानी से नहा के अपना वेगस नर्व एक्टिवेट करके एकदम एनर्जेटिक फील कर रहा था, और उन 2 महीनों में मेरा काम का लोड बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, थोड़ा बहुत है निगल इधर उधर, ये ठीक कर लूँगा मैं वंस आई गेट बैक टू माई रूटीन। मैं रूटीन में वापस आता हूँ मार्च में, तो मतलब सूर्य नमस्कार के लिए मैं ऊपर यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक पहुँच पा रहा था। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल कमिंग बैक टू माई रूटीन ऑफ योगा इन द मॉर्निंग विच आई डू फॉर 1.5 आवर्स, वो धीरे धीरे मेरी जो रिस्ट्रिक्शन थी एटलीस्ट आसनास के लेवल तक तो आ गई, पर 2-3 आसनास जो मैं बड़े मतलब एकदम कैजुअली लगा लेता था वो मेरे नहीं लग रहे थे, जैसे गोमुख आसन हो गया, सर्वांग आसन हो गया, आई वॉज टू फील मतलब मेरे शोल्डर में, और मेरे को एंग्जाइटी पैंक्स होने लग गए, क्योंकि बींग सो मच हेल्दी एंड सो मच फ्लेक्सीबल बॉडी गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद, एकदम से मेरे को इतना एंड I started playing on my mind. पता ही नहीं लग रहा था क्या हो रहा है। Then I came to doctor. Then I last Sunday I called Dr. Mishra. He said that today our clinic is closer. You have to come on Monday. I just was waiting for the moment when I came. And when I came here, he was away for a conference for another 2 days, so he could not meet then also. But then Dr. Rehana, she clinically diagnosed me and. To my utter dismay, she just said, "Sir, you have a frozen case of shoulder. Frozen shoulder case." So, here, उसके बाद मैं कहा, चलो, now that I actually know it, at least पहले क्योंकि
एक महीने तक तो पूरा स्टार्ट फ्रॉम मार्च टू अपने जो सर ने बताया कि 90% की रेंज है मेरी, डेफिनेटली मेरी 50% थी, 40% मैंने अपने योगा से ठीक किया जब मैं यहाँ पे आया, बट क्योंकि इट वॉज प्लेइंग इन माई माइंड कि क्या हो रहा है, मतलब एक बेसिक चीजें जो होती है ना, जैसे एक सोप लगाना, ये यहाँ पे ये देखिए मेरा आर्म अभी भी देखिए टेनिस एल्बो की तरह मूव करता है, यू नो दिस शुड बी एब्सोल्युटली लाइक, अभी ये देखिए ये राइट फाइन आर्म इज लाइक मूविंग लाइक एब्सोल्युटली, दिस हैज गॉट रिस्ट्रिक्शन, सो दिस इज व्हाट वी आर ब्रेकिंग इट हियर फॉर मी, आई मीन डॉक्टर मिश्रा इज रियली गाइडिंग मी हेल्प हेल्प, सो विद ऑल योर ब्लेसिंग्स मे बी आई शुड बी ओके एंड आई हैव ऑलरेडी ऑन विद द ट्रीटमेंट, थैंक यू वेरी मच. आपने समझ ही लिया, और सब बहुत सारे लोगों के साथ यही कॉमन प्रॉब्लम होती है, यूजुअली हम देखते नहीं है कि लोग इतने इफेक्टिवली एक्सरसाइज करते हैं. शर्मा जी, आज आप कितना टच कर सकते हैं, दिखा सकते हैं? दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर तो जा रहे हैं, देखिए यहाँ आ रही है मूवमेंट, और ये यू नो दिस इज आल्सो देयर, सो आई प्रिज्यूम कि नदर, तो हम एक्चुअली ना इतना रेंजेस हर किसी को जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट है कुमुख आसन करने की, सेल्फ फीलिंग में भी इम्प्रूव हो सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स मूवमेंट है, जिस चीज़ को ये करना चाह रहे हैं उसके लिए मसल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है, और जब तक कि मसल स्ट्रेंथ नहीं आएगी इनका एक लेवल के बाद वो स्कैपुला बाहर मूव नहीं कर पा रहा है, सो इट्स अ लिटिल स्लो प्रोसेस, ये बहुत फाइन मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ये ग्रॉस मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, इनका हाथ ऊपर स्ट्रेट जा रहा है, जब आप इस मूवमेंट की बात करते हैं ये बहुत फाइन मूवमेंट है, यानी कि मसल उसको सपोर्ट भी करें और बाहर भी जाने दे. So I am very, very grateful that I'm at the right place and with Dr. Jitu Mishra, who's helping me greatly. So हम इनको क्या exercises करा रहे हैं वो भी थोड़ा बताना जरूरी है, कि हम इनका हाथ stretch करके डंडे से पीछे लेट के stretch करा रहे हैं, जिसमें हम shoulders को maximum stretch कर रहे हैं, PVC pipe से जो आपने सारी videos देखी ही होंगी उनमें PVC pipe के साथ में इनको exercise maximum कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें improvement आया है? PVC pipe में भी है improvement आया है ना, तो ये सारी मूवमेंट्स करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल मूवमेंट नहीं करा रहे, क्योंकि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और उसको स्ट्रेच करने का मतलब है और इंजरी हो जाती है देना, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज या खाना हर चीज़ उतना ही फायदा देता है जितना कि आप लिमिट में करें, एक्सेस ना करें, एंड आई एम 100% श्योर अंडरस्टैंडिंग मनीष रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रेन एंड माइंड कि ये कहीं ना कहीं ओवर डू करने से ही हुआ है, सो आई एम श्योर अब आगे कभी नहीं होगा. Come, now let's show them the shoulder adjustment. Nice. Half squat thing. Yeah, fantastic. So, then the leg lead out. Oh, nice. They got the job. Easy. Keep subscribing, keep watching. Thank you. Thank you. Thank you.